सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके राशि से रिलेटेड जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 1 अप्रैल 2021 शनिवार के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शनि देव की कृपा से आप दिन दुगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें। चलिए हम जानेंगे इस वीडियो में आपकी खुशियों के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी परेशानियां और कौन सी कष्टों को लेकर आने वाली है जिससे आपको सावधान रहना है, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी चीजों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में बहुत अच्छे विचार दिए गए हैं आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज 1 अप्रैल 2021 दिन शनिवार का है और महीना जो है वो बैशाख का रहेगा। तिथि की बात करें तो कृष्ण पक्ष की पंचमी नामक तिथि बन रही है जो कि यह ठीक शाम के 4:41 तक चलेगा और इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की षष्ठी नामक तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो मूल नामक नक्षत्र बन रही है जो कि यह ठीक सुबह के 10:15 तक चलेगा और इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो सिद्ध नामक योग बन रही है जो कि यह ठीक सुबह के 4:41 से लेकर ठीक अगले दिन के रात्रि के 1:47 तक चलेगा और इसके उपरांत साध्य नामक योग प्रारंभ हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय का जो समय है वो रहेगा ठीक सुबह के 5:57 पर और सूर्यास्त का जो समय है वो रहने वाला है शाम के 6:50 पर। चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक रात्रि के 11:43 पर और चंद्रास्त का जो समय है वो रहने वाला है ठीक सुबह के 10:35 पर। सूर्य राशि रहेगा मेष राशि पर और चंद्र राशि चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगा, अर्थात आज का शुभ समय यह ठीक सुबह के 11:58 से लेकर ठीक दोपहर 12:49 तक चलेगा। चलिए बात करते हैं आज का अशुभ समय यानी राहु काल की बात करें तो यह सुबह के 9:10 से लेकर ठीक सुबह के 10:47 तक चलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समय किसी भी शुभ कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहाजा बदल कर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हैं। ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ जाए तो मिट जाता है, अगर कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है और शिप में आए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस संगत का फर्क है। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। जिंदगी तुझसे हर कदम समझौता क्यों किया जाए, शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। चलिए बात करते हैं अब आपकी डेली राशिफल की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, हम आपकी डेली राशिफल की बात करने जा रहे हैं। कार्य और धन की परेशानी अभी आपके दिमाग को खराब कर सकती है। हम आपको बताना चाहेंगे अपना ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए कोई छोटी यात्रा करें, अपनी रचनात्मक भावनाओं को संतुष्ट करने वाली गतिविधियों को लिखें और उनमें व्यस्त रहें। आपको ध्यान रखना है, नए अवसर आए कि एक और स्रोत के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने जो परिवक्ता प्राप्त की है उससे आप दूसरों को अधिक देने और स्वयं कम लेने में विश्वास रखती हैं, इसलिए पुराने परिचितों से मिलने की संभावना है। किसी सलाहकार और परिवार के साथ जुड़े रहें ताकि जरूरतों के साथ सहायता मिल सके। हम आपको बताना चाहेंगे
इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके करियर की बात करते हैं। संचार के साधनों का प्रयोग करके आप सफलता के एक और कदम नजदीक जा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, व्यापार में लाभ के लिए मार्केटिंग विज्ञापन या प्रचार का सहारा लें। हम आपको बताना चाहेंगे, आज घर की टूटी हुई खिड़कियां, नल या लीक करना, बिजली के उपकरण आपसे समय व धन की मांग कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, आज कार्यस्थल पर नई परियोजना और कार्यों की शुरुआत की संभावना है। बस आपको ध्यान रखना है, आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं और अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति से संतुष्ट नहीं है। आपको बताना चाहेंगे, मार्केटिंग राजनीतियों, व्यापार योजनाओं और बिक्री योजना पर कार्य करने के लिए ऑनलाइन सहायता लें। दूसरों की सलाह से पहले ही योजना बना लें, ताकि आपकी क्षमताओं के बारे में अन्य लोग भी जानें। चलिए अब आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। आज का दिन शांतिपूर्ण और आरामदायक है, जब आपका पूरा ध्यान अपने जानों पर है। यह रिश्ता दिल से बना है, इसमें गलत फहमी को न आने दें। गलत फहमी का कीड़ा आपकी चाहत को तबाह कर सकता है। हम आपको बताना चाहेंगे, व्यस्त जीवन में से अपने शौक जैसे संगीत, नृत्य, फोटोग्राफी के लिए भी समय निकालें। आपको ध्यान रखना है, परिवार और माता पिता के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आज का दिन शुभ है। अगर आप नए रिश्ते बनाना चाहते हैं तो आपके लिए और भी बेटर रहेगा। हम आपको बताना चाहेंगे, अपने मासुक से दिल खोलकर बात करें, ताकि आप उन्हें खास महसूस करा सकें। दोस्तों, अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव सच्चे मन से जरूर लिख दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।